ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है, इंसाफ है। महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी ना इंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। सर अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर साफ साफ तीन सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए। राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृहमंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए, यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द ना कोई शांति की याचना। मंत्रिमंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे। आप बोले, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है, माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया। आपने गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं दो बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में एक बार दो बार तीन बार चार बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। ये तीन सवाल हैं सर, और शायद इन तीन सवालों का तीन उत्तर भी है।
प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं, शायद उस प्रश्न का उत्तर भी तीन है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6,500 एफआईआर है, और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण मनाना चाहिए था, बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काओ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। आज हम मणिपुर गए हैं, क्या मणिपुर में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं, लेकिन पहली बार। अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो, पहले आप लोग जाओ। सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में दो वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के दो वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने दो मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से दो मणिपुर आज बन गए। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को, इस सदन से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की राजधर्मों को याद करने के लिए सलाह दूंगा, जिन्होंने कहा कि राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर। सर आज इस माहौल में अगर सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को झेलना पड़ा है तो महिलाओं और बच्चों को। हमने देखे हैं वो वायरल वीडियो में, उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, उससे सबको पीड़ा हुआ। पर ऐसे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहे कि ऐसे 100 एफआईआर हैं। हम भी गए हैं सर, इंडिया डेलीगेशन, हमारे संसदीय दल, उस परिवार से हम मिलके आए हैं जिसमें दो महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ। हमने ऐसे भी एक परिवार से मिले जिसमें एक 80 साल की महिला जो एक स्वतंत्रता संग्रामी की पत्नी थी, उसको घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। जो दो महिला जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, उसमें से एक महिला का पति कारगिल में हमारे देश के लिए, हमारी सीमा को सुरक्षा कर रहा था। वो कारगिल का जवान बोल रहा है, मैंने देश को बचाया पर मैं अपने घर और अपने परिवार को नहीं बचा पाया।